लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने दिल्ली में 6 उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए शीला दीक्षित को मनोज तिवारी के सामने उतारा है। कांग्रेस ने दिल्ली में 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित को टिकट दिया। आज कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ शीला दीक्षित को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने अजय माकन, जेपी अग्रवाल, महाबल मिश्रा, अरविंद सिंह लवली को टिकट दिया। कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली की सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया। डॉक्टर हर्षवर्धन और मनोज तिवारी ने रोड शो करके नामांकन भरा। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली का दंगल दिलचस्प हो गया है। आज कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों को ऐलान करते हुए शीला दीक्षित को मैदान में उतारा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर शीला दीक्षित का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से सीधा मुकाबला होगा, जबकि चांदनी चौक की सीट पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन आमने सामने होंगे। पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने नई दिल्ली से अजय माकन, पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राजेश ललोठिया को टिकट दिया है, लेकिन इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं दक्षिण दिल्ली की सीट पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और मनोज तिवारी ने आज रोड शो कर नामांकन दाखिल किया। मनोज तिवारी के रोड शो में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी भी मौजूद रही। राजनीति में कभी कोई स्टेबल चीज परिस्थिति नहीं रहती, बदलती रहती है और जो नए चैलेंजेस आते हैं उनका सामना करना पड़ता है। और जरा मुझे जाने दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ से लड़ चुकी हूँ, तो ये नहीं है कि मैं जगह को जानती नहीं हूँ और यहाँ के लोगों से परिचित हूँ और वहाँ के लोग भी मेरे से परिचित हैं। ये शीला दीक्षित जिससे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उन्हीं के टाइम में इस क्षेत्र का ये दुर्दशा था, तो वो क्यों था, अब वो शीला जी जवाब देने के लिए आ गई हैं। ये जिन लोगों ने दिल्ली की दुर्दशा की है वो संजोग से यही आ गए हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता उनको जवाब दी। पहले से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। मुद्दे हैं जो काम किया है इस कंस्टिट्यूएंसी में और सारे देश में मोदी जी ने। लोगों का मुद्दा है कि मोदी जी को दोबारा वो बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, ये मुद्दा है। लोगों का मुद्दा तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है।